आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद पूजा सुमन चैनल पे आप सभी को पूरे दिल से स्वागत है। और कैसे हैं आप सब? आशा है कि सबके सब बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। आज है गुरुवार, अभी सुबह अभी दोपहर की घड़ी में बज रहे हैं 3:30। और अभी मैं बाहर जाने वाली हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम है बाहर, मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करने के लिए बाहर जाने की जरूरत है। और वो क्या है मैं वो आपको बाद में बताती हूँ। और उसके साथ कुछ खरीदारी करनी है, मैं एक मेरे फ्रेंड के साथ जा रही हूँ, हम लोग घूमेंगे, कुछ खाएंगे, पियेंगे, खरीदारी करेंगे, साथ साथ मेरा जो काम जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो भी मैं करके आऊंगी। और हाँ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और इग्नोर मत कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ आइडियाज देने की कोशिश करती हूँ आपको, जो कि किसी ना किसी दिन शायद ही आप लोगों को काम आ जाए। सो प्लीज 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 वीडियो को पूरी देखिएगा और मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए निकलते हैं। अभी हम आए हैं स्क्वायर में, जो कि गैंगटोक के एक फेमस रेस्टोरेंट है। एंड इनसाइड द रेस्टोरेंट इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल एंड ऑफ कोर्स इट्स यूनिक टू। बाल उड़ गया, फिर भी मेरा जोर जबरदस्ती मेरा वीडियो ले रहा है। क्या करूँ मैं? अच्छा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, फिर भी क्या करूँ, मजबूर। टोपी पहना, टोपी पहना, टोपी पहन लेता हूँ। अब ठीक है, अब थोड़ा अब देखो, आप लग रहा है ना ठीक ठाक, अब ठीक ठाक लग रहा है ना। खाना वाना ख़त्म करके एक्चुअली हम लोग गए थे ज्वेलर की दुकान पे, जो कि जहाँ पे मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था, लेकिन वहाँ पे वीडियो किसने मना था इसलिए आप लोगों को नहीं दिखा पाई। तो गाइज, ये है लाल बाज़ार या लाल मार्केट, कुछ भी बोल सकते हो। हम लोग अभी घर जा रहे हैं और लाल बाज़ार होके ही जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी सिक्किम में ज़बरदस्त ठंड गिरने लगी है और जगह जगह पर आप लोग देख ही सकते हो कितने सारे स्वेटर, मफलर, टोपी, सॉक्स वगैरह वगैरह की जैसे एक मेला लग गया है। वैसे तो ये विंटर का सीजन है, लेकिन गैंगटोक में टूरिस्ट लोगों का आना बंद नहीं हुआ, चारों तरफ सिर्फ टूरिस्ट ही टूरिस्ट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और दूसरा ये है और ये ब्लू में ये हुडी है ना, इसका कितना है भैया? वो 500 है। ये हुडी नहीं है, स्वेटशर्ट है। ये वाला हुडी है ना, इसका बड़ा नहीं है ना। नहीं, ये वाला हुडी है ना, अच्छा था ये।
तो खरीदारी खत्म हो गई, अभी हम गाड़ी में बैठ के वेट कर रहे हैं घर जाने के लिए, घर जाके आपसे बात करते हैं। तो आ गई हूँ घर वापस और कपड़े वपड़े भी चेंज कर लिए, अभी जाऊंगी थोड़ी देर में जाऊंगी डिनर करने के लिए। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि किस लिए मैं ज्वेलर की दुकान में गई थी और क्या हुआ था एक्चुअली, कौन सा इम्पोर्टेंट काम था मेरा, वो है मतलब इसमें है वो चीज, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ क्या है वो। वो है ये, इसके कारण से मुझे सुनार के दुकान में जाना पड़ा। ये मेरा गोल्ड का चेन है और आप लोगों ने देखा होगा कि मैं अपने गले में ये चेन हमेशा पहन के रखती हूँ और इसके साथ है एक पेंडेंट, छोटा सा गणपति जी का एक पेंडेंट है, इसको भी मैं गले में पहन के रखती हूँ और जब भी मैं पहनती हूँ ना इसको, तो मन में अजीब सा एक शक्ति मिलती है और मुझे लगता है बप्पा मेरे साथ ही है। लेकिन मेरा ये चेन मैं अभी नहीं पहन पाऊंगी क्योंकि चेन का हालत ये बन गया है, ये आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये यहाँ पे जो एस है, ये जोड़ने का जो जगह है, ये जगह तो ठीक ही है लेकिन ये बीच में से ये चेन टूट गया है, ये बीच में से एकदम से ये चेन टूट गया, मतलब इसको मैं अभी पहन नहीं पा रही हूँ। तो सुनार के पास गई थी और इसको जोड़ने के लिए, ये किस लिए हुआ था, 2 दिन पहले मेरी बेटी मेरे ऊपर मम्मा 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 बोल के मेरे ऊपर बहुत लपक छपक कर रही थी, तो उस टाइम अचानक से उसने मेरा चेन खींची और एकदम से वो चेन, मतलब पतला सा चेन है, एकदम से टूट गया बीच में से। तो उस टाइम तो बहुत बुरा लग रहा था, गुस्सा भी, मन ही मन गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन क्या करूं, बच्चा है वो तो जानबूझ के थोड़ी ना कुछ करती है, तो इसीलिए मैंने उसको कुछ नहीं बोला। मुझे लगा कि चलो सुनार के दुकान में जाके मैं ठीक करवा लूंगी, बना लूंगी इसको। लेकिन सुनार के दुकान में जाने के बाद वो लोग मुझे बोल रहे है कि ये तो जुड़ जाएगा, ये बीच में से जो टूटा है ये तो जुड़ जाएगा, लेकिन इसके बीचों बीच जहां से ये जॉइंट होगा ना, जहां से ये जॉइंट होगा वहां से एक काला काला सा कुछ दिखाई देगा, मतलब उन लोगों ने जॉइंट किया है उस जगह को, वो दिखाई देगा और वो देखने में काफी खराब लगेगा, बहुत ही खराब लगेगा। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, मैंने एकदम तब मैंने बोल दिया कि चलो यहाँ से नहीं बनाते हो, चलो यहाँ से नहीं बनाएंगे। वैसे तो गई थी मैं उस दुकान में जहाँ से ये चेन मैंने जहाँ से खरीदा था उसी ज्वेलर के पास गई थी, तो मैंने बोला कि छोड़ो ये जगह से नहीं करती हूँ, मैं एकदम से कोलकाता जाके मैं एकदम से बना लूंगी। तो ये था मेरा इम्पोर्टेंट काम जिसके वजह से मुझे गैंगटॉक जाना पड़ा, लेकिन काम तो कुछ हुआ नहीं, ऐसे ही वापस लौट। तो आज का वीडियो, आज का ब्लॉग यहाँ तक ही था और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे खत्म करूंगी। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक, एक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम लोगों को सपोर्ट कर दीजिए, आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखे हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाने से आप लोगों को ज्यादा पसंद आएगा, किस टॉपिक पर वीडियो आप देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हैं। तो जल्दी मिलूंगी आपसे नया एक ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए मैं बोलूंगी अलविदा, लव यू ऑल।